ये जो सरोवर आप देख रहे हो, ये राधा रानी की आंखों से बड़ा सरोवर है। कहते हैं जब मुरलीधर मुरली बजाते थे तो तीनों भुवन मंत्र मुग्ध हो जाते थे। कितने भाग्यशाली रहे होंगे वो लोग, वो गौ माता, जिन्हें उनकी धुन सुनने मिली। कभी कभी मैं सोचती थी काश मुझे भी वो सुख प्राप्त होता। आज वो सुख मुझे प्राप्त हुआ ब्रज की पावन भूमि में। जी आप बराबर सुन रहे हैं, तीनों भुवन के स्वामी ने जो बांसुरी बजाई थी उसकी धुन आज भी एक वटवृक्ष में सुनाई देती है। तभी तो कहते हैं वंशी वट सो वट नहीं, नंद गाव सो गाव। हाय एवरीवन, द ट्रैकिंग शूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट धर्मिष्ठा। आज मैं ऐसे वृक्ष के दर्शन कराऊंगी जहाँ से भगवान की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। मैं राधा कृष्ण के विवाह स्थल भांडीरवन से 600 मीटर पर स्थित वंशी वट पहुँच जाती हूँ। कहते हैं महाराज यमुना तट से वंशी वट तक होता था। आपको ये पता है कि कृष्ण भगवान जिस पेड़ पे बैठ के बंसी बजाते थे और पूरा वृंदावन उनकी बांसुरी पे झूम उठता था और गौया एकत्रित हो जाती थी, गोपियां नाच उठती थी, वो वट कहाँ है? तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पहुँच चुकी हूँ वंशी वट पे जहाँ कृष्ण भगवान बंसरी बजाते थे। बस यही वो जगह है, यही वो पेड़ है। अगर मन से ध्यान लगा के अगर आप सुनेंगे तो आज भी भगवान की बांसुरी की धुन आपको सुनाई देगी। जिन लोगों पर कन्हैया की कृपा होती है उन्हें इस वंशीवट में बांसुरी, पायल, ढोलक, मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है। मुझे भी कन्हैया की कृपा से बांसुरी और ढोलक की धुन सुनाई दी है। वंशीवट के दर्शन कर हम वहां से 7 किलोमीटर पर स्थित राधा रानी मानसरोवर पहुंच जाते हैं। होली के कारण यहां काफी भीड़ थी और लोग इसमें स्नान कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने प्रेमी के बिना में कितना रो सकते हैं, मेरा मतलब है कि आपके आंसुओं से क्या एक बाल्टी भर जाएगी? आपका जवाब होगा नहीं, बराबर। यहाँ राधा जी कृष्ण के विरह में इतना रोई है कि एक सरोवर बन गया है जिसे कहते हैं राधा रानी मानसरोवर। ये सरोवर राधा जी के अश्रुओं से बना है और यही कारण है कि प्रेम का अर्थ ही राधा कृष्ण है। जय श्री राधे, श्याम श्याम श्याम। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा था। महाराज में प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी सिंहासन पर विराज रहे थे। महाराज में अनगिनत गोपियां भाग ले रही थी, उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव और माता पार्वती कैलाश पे भजन में बैठे थे। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो मधुर संगीत की ध्वनि महादेव जी के कानों में गई और उनका भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जिससे कि मेरा भजन भंग हो रहा है और ये ध्वनि मुझे अतिप्रिय लग रही है। तब महादेव जी ने अपने विवेक से मालूम किया, अरे ये तो यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं, मैं भी चलूं अपने प्रभु का दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव वहां से तुरंत चल दिए और उस जगह आ गए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ दो गोपियां पहरा दे रही थी, ललिता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो रखवाली कर रही थी उन गोपियों ने उनको रोक दिया, कहा देखो प्रभु आप पुरुष हैं, आप इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं, पुरुष रूप में अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों हम तो कैलाश से आए हैं अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए, आप लोग हमें कोई उपाय बताइए जिससे हम भी प्रभु का दर्शन कर सकें और महाराज का आनंद ले सकें। गोपियाँ बोली, देखो प्रभु पास में यमुना जी बह रही हैं, आप यमुना जी के पास जाइए और वहाँ यमुना जी में स्नान करो और उनसे प्रार्थना करो, कहे यमुने मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और वो गोपी बन गए। जब गोपी बन गए तो प्रभु महादेव वहीं से गोपेश्वर कहलाए। जैसे ही गोपी बने महादेव जी, यमुना जी ने अपना सारा श्रृंगार दे दिया उनको। अब प्रभु महादेव सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया गोपी बनकर, तो प्रभु श्याम चंद्र ने उन्हें पहचान लिया
और सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपीश्वरी, और अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया। इसी बात से राधा रानी नाराज हो गई और नाराज होकर बोली, अरे गोपियों, देखो आज प्रभु ने क्या लीला रची है। आज एक नई गोपी आई है काली कनु, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया और उससे कहा है, गोपेश्वरी हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया हो, हमसे तो कभी गोपेश्वरी का ही नहीं। इसी बात को लेकर राधा रानी महाराज में से नाराज होकर गुस्सा होकर धीरे धीरे चलते चलते यहाँ आकर बैठ गए। अब आप समझिए, जहाँ राधा रानी है वहीं रात है, वहीं महाराज है, और निकुंज लीलाएं। जब राधा रानी वहाँ से हट गई तो वहाँ महाराज बंद हो गया। प्रभु श्याम सुंदर ने देखा, अरे यहाँ तो राधा रानी भी नहीं है, अरे यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया। प्रभु श्याम सुंदर ने चारों दिशाओं में खोजना शुरू किया, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी आप कहाँ हो। प्रभु चारों दिशाओं राधा रानी को खोज रहे और ढेर रहे। देखो जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु श्याम चंदन ने उन राधा रानी के चिन्हों को पहचान लिया और कहा, देखो राधा रानी को यहाँ आकर मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई तो प्रभु के पैरों में गिर गई और पैरों में गिर कर बोले, देखो राधे आप गुस्सा हो गई थी, वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, कहलाते प्रभु महादेव आए थे गोपी बन महाराज देखने के लिए, कोई अतिथि कोई मेहमान आपके दरवाजे पाएगा तो आप आदर सत्कार नहीं करोगी। देखो राधे अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, देखो प्रभु मैं महाराज मुझे पैदल चल करके आई हूँ, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, अब प्रभु मुझसे नहीं चला जाता। तो प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे आप थकी हुई आप नहीं चल सकती हो तो आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी कंधे पर बैठने को होती हैं प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी खूब रोती हैं कि मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, और प्रभु की याद में रोते रोते ये जो सरोवर आप देख रहे हो ये राधा रानी के आंसुओं से भरा सरोवर है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट छोड़कर राधा रानी के पास द्वारका चले गए। बंसी का दर्शन यहीं होता है। अब बंसी जो है 4 बजे रखी जाएगी तब बंसी का दर्शन होगा, द्वारका में बंसी का दर्शन नहीं होता है। जब कभी भी यहाँ आप आओ तो यहाँ देखिए इस सरोवर में स्नान करो तो 5 छींटे जरूर डालिए। सरोवर में स्नान करने से राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और कलयुग के कष्टों और पापों से भी छुटकारा मिलता है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री। यहाँ कण कण में कृष्ण है और जितने कृष्ण है उससे ज्यादा राधा है, तो कहिए राधे राधे। वृंदावन मथुरा की यात्रा अभी जारी है, फिर मिलेंगी ब्रज की एक और नई वीडियो में एक और नई जगह पर। तब तक के लिए जय श्री राधे।